हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले, अगर आप भी अपने फ़ोन में कीवर्ड यूज़ करते हो टाइपिंग के लिए, तो यहाँ पर आपका जो कीवर्ड था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है और कोई और ही कीवर्ड आपको शो कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में जो ओल्ड कीवर्ड था, पहले आप जो कीवर्ड को यूज़ करते थे, वही कीवर्ड को आप कैसे वापस से यूज़ कर सकते हो, जो चेंज हो चुका है उसके जगह हम कैसे वापस अपने पुराने वाले कीवर्ड को ही लाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप किस तरह से कीवर्ड को यूज़ करते हो। लाइक किसी भी टाइपिंग काम करने के लिए आपको यहाँ पर कीवर्ड ओपन करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर मैं सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर जब भी हम टाइपिंग करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से कीवर्ड आ रहे हैं, बट जो मैं पहले कीवर्ड को यूज़ करता था वो कीवर्ड नहीं आकर यहाँ पर कोई और ही कीवर्ड आ रहा है। और यहाँ से मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड वाले ऑप्शन में एक सेटिंग का ऑप्शन होता है जहाँ से आप कीवर्ड को भी चेंज कर सकते हो, बट इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं आ रहा है। तो किस तरह से हम वापस से लाएंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से कट कर देते हैं। अभी आप देख लेंगे कि कीवर्ड मेरा किस तरह से शो हो रहा है और जो मैं सेटिंग करने वाला हूँ उसके बाद मुझे कीवर्ड किस तरह से देखने को मिलेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको बैक चले आना है अपने होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आने के बाद आपको सेटिंग ओपन कर लेना है, आपके फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या करना है, सबसे नीचे की तरफ आना है। और गाइस, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आपके फ़ोन में शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से सर्च बार में डायरेक्टली सर्च कर लेंगे, क्योंकि सर्च कर लेंगे तो आपके फ़ोन में शो हो जाएगा। बट पहले मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम अपने सर्च बार में सर्च करते हैं तो हमारा जो स्पेलिंग मिस्टेक के कारण हमें सर्च में नहीं आता है। तो हम यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता देंगे कि कहाँ पर आपको मिलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक से आप सर्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर बताते हैं। तो आपको यहाँ पर एक सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, सिस्टम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में सिस्टम का ऑप्शन होगा। सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहीं पर आपको फर्स्ट में लैंग्वेज इन इनपुट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लैंग्वेज इन इनपुट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड और यहाँ पर फिजिकल कीबोर्ड। आपको क्या करना है, वर्चुअल कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अभी आप देख सकते हो जो हमारे फ़ोन में कीवर्ड है, यहाँ पर की का कीवर्ड एक्टिव है, इसी कीवर्ड को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ और कोई भी कीवर्ड मेरे फ़ोन में नहीं है, अभी फ़िलहाल एक्टिव नहीं है तो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको एक्टिव, बाकी कीवर्ड को आपको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर मैनेज कीवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आप पहले यूज़ करते थे वो कीवर्ड आपको यहीं पर मिलने वाला है, मैनेज कीवर्ड वाले आप क्लिक करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, आप जो भी पहले कीवर्ड को यूज़ करते थे लाइक इस तरह से हो सकते हैं, जो भी यहाँ पर ऑफ होंगे आपको क्या करना है, इनको ऑन कर देना है। इस तरह से आप क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी कीवर्ड होंगे आपको सभी को ऑन कर देना है, क्योंकि आप जो भी कीवर्ड को यूज़ करते थे वो कीवर्ड कौन सा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपके फ़ोन में अगर 2-4-5 कीवर्ड होंगे तो कौन सा कीवर्ड होगा आपका जो यूज़ थे वो मुझे मालूम नहीं है। तो आप यहाँ पर सभी को ऑन कर लीजिएगा, जो भी आप यूज़ करते होंगे वो वहाँ पर शो कर जाएगा। तो अभी हम बैक चलते हैं, यहाँ से हमने ओपन कर लिया इसको और अभी हम वापस से कीवर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे कुछ भी सर्च करने के लिए। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होंगे। तो अभी आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा राइट साइड के नीचे की तरफ, आपको कीवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, अभी आपके फ़ोन में जितने भी कीवर्ड होंगे सारे शो हो जाएंगे। पहले आपको यहाँ पर शो नहीं होंगे, क्योंकि आप जब वहाँ पर जाके सेटिंग में सारे कीवर्ड को एक्टिव करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर आपको कीवर्ड शो होंगे। तो आपको यहाँ पर किसी भी कीवर्ड को यूज़ करना है तो वहाँ पर आप टैप करेंगे, तो आप जिस भी कीवर्ड को पहले यूज़ करते थे उस पर आप टैप करेंगे, यहाँ पर आपके सामने जो कीवर्ड था यहाँ पर वापस से आ जाने वाले। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जीबोर्ड को यूज़ करता था, तो अभी हमारे फ़ोन में जो जीबोर्ड है यहाँ पर आ चुका है, गूगल का जो कीबोर्ड होता है वो यहाँ पर आ चुका है सक्सेसफुली। तो आप किसी भी कीबोर्ड को यूज़ करते हो तो आपके फ़ोन में एक्टिव नहीं है तो एक्टिव करके उसके बाद यहाँ पर आके आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से एक्टिव कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।